कैसे बाइकों पे वो लगा रहे हैं। देख देख देखो देखो दोनों यार, मैं जा ही रहा हूँ भाई, मोना घूमना फोर्ट वाटर ऐसा थोड़ी हो, देख ना मो डर लग रहा भाई। गाड़ी ये आपको प्रेशर कर रहे हैं, ये वीडियो बना कर भेज दो, आपकी गाड़ी की गलती है, आपकी गलती नहीं है। बड़ी गाड़ी है ना, तो ये सोचते बड़े गेस्ट है। यार ये सही है ना? नहीं है ना? रुपीज क्या? रुपीज पैसे दो ना, पैसे दूँ? स्कूल पहन लेंगे। किस बात के पैसे दूँ? हाँ किस बात के पैसे? पहन लेंगे हमारे साथ चलो, हमारे फिर आप थोड़ा आगे चलोगे पैदल लोग मिल जाएंगे रोड के ऊपर, लेकिन उनसे बचना है अपने को, कांच नीचे नहीं गिरना, गाड़ी रोकनी नहीं, बस रूठते हैं लोगों को, सो आ जाओ हमारे साथ। हेलो भाई, मैं अरुण पवार, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल मैं जैसलमेर में हूँ, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देखना, ऐसे कुछ रूम मैंने ले लिया था भाई। अगर आप चलाने के शौकीन हो गाड़ी को तो ये आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन होगी भाई मेरे ख्याल से, तो क्योंकि यहाँ पे बिना किसी इंटरसेप्टर के आप गाड़ी ऐसे भगा सकते हो। रोड इतने मस्त, दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी ही नहीं दिखती यार। पोखरण से जो जैसलमेर का रास्ता है ना 100 किलोमीटर का भाई, वो इतना मस्त है ना, ऐसे गाड़ी भगाते हुए आए मैं अपने एंडेवर को। चलो यहाँ से निकलता हूँ इस होटल वोटल से, 11 बज गए भाई, अब घूमता हूँ। मेरे को सही बताऊँ जैसलमेर का जे भी नहीं पता भाई, मैं अभी नेट पे वीडियो देख रहा था, लेकिन स्टिल मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ कि करूँ क्या, घूमूँ कहाँ पे, अकेला बंदा हूँ मैं, बट फिर भी चलो देखते हैं। गर्मी में वैसे आया हूँ अगस्त के महीने में मैं, क्योंकि मैंने देख रखा है भाई ऑन सीजन कहीं भी जाना ना बहुत खर्चा, ट्रैफिक, भीड़, हेडेक मेरे पे नहीं होता भाई। अपना ऑफ सीजन थोड़ी धूप वूप झेल लेंगे, गर्मी झेल लेंगे, ऐसे तो गांव के देसी वाले के कोई हमें गर्मी से डर ना लगे, मजा पुराना चाहिए। चलो देखता हूँ ये होटल कैसा है। रात को आया था जब तो मैं कुछ देख नहीं पाया था, वहां से देखूं क्या ही व्यू है, ये जीप सी खड़ी है। ताला लगा देता हूँ भाई, क्योंकि मैंने ये फिर आज के लिए एक्सटेंड कर लिया। मेरा भाई ऐसा है, मुझे एक्सप्लोर करना थोड़ा कम पसंद है, जर्नी का मजा थोड़ा सा ज्यादा लेने का मन करता है। तो ताले भी देखोगे भाई कितने स्टैंडर्ड के से हैं, ये राजस्थानी फील कहते ही खाट वाट, और ये भाई क्या मस्त होटल है यार, ये गजब काफा कासे दा डाका काका पता नहीं क्या ही नाम था इसका, वाह वो खड़ी 2616 यूपी भाई, यूपी से फील मुझे थोड़ी कम आती है अपनी गाड़ी पे, हरियाणा वाली फील अच्छी रहती है। गर्मी तो बहुत है जैसलमेर में, हद है यार, लेट्स गो बैक। ये मैं आ गया ऊपर, ये यहाँ पे रात को मैंने बैठ कर रोटी टू खाई थी अपनी, और ये है भाई पूरा जैसलमेर का व्यू। रात में भी तगड़ा लग रहा था, दिन में भी बहुत तगड़ा लग रहा है, यहाँ ऊँचे नीचे से कैसे ही है यार, यार हर कोई उनकी बताता है यार, यहाँ स्कैमर्स हैं। अभी जैसे मैंने होटल वाले भाई से पूछा कि भाई मैं क्या घूमूं यहाँ पे, कुछ बताओ मेरे को, थोड़ा सा गाइड करो, तो उन्होंने बताया ये फोर्ट वोर्ट जैसलमेर का फोर्ट वगैरह घूम लो, मार्केट मार्केट कोई हवेली भी है, पटुओं की हवेली ऐसे कुछ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने वो यही कहते भाई यहाँ स्कैमर्स बहुत हैं, 95% लोग अच्छे हैं लेकिन 5% स्कैमर्स हैं, उनसे थोड़ा दूर बच के रहना। मैं क्या पता नहीं यार, वीडियोज़ में देख लो तो स्कैमर्स बताते हैं, पता नहीं क्या है भाई, कोई बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है क्या, मेरे को बताना भाई प्लीज़ थोड़ा। अब भाई चलो, वह मेरा मन सो तो ना कर रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा ड्राइविंग टाइप आदमी ज़्यादा हूँ, मेरे पे गाड़ी तो चलवा लो, पर ये ऐसे ऐसे घूमना, मतलब फोर्ट वोट मतलब बहुत देख रखे हैं ज़िंदगी में, बहुत देख लिए, बट चलो भाई थोड़ा पीयर प्रेशर रहता है ना कि चलो जैसलमेर आए हैं तो भाई फोर्ट वोट घूम लेते हैं, हमें पता कुछ होगा नहीं भाई, वहाँ पे फैमिलीज वैमिलीज रहती हैं, हम क्या ही करेंगे उनको देख के, तो रहे ना पास, जैसा कोई पास को होगा 50 किलोमीटर को, कभी जैसलमेर ना होगा, हम इतनी दूर थे भाई 700 किलोमीटर दूर आ गए यार जैसलमेर देखने। भाई यहाँ पत्थर का यूज बहुत ज्यादा है, ये है मैं जिसकी कह रहा था ना, देखना जमीन पे भी पत्थर ही पत्थर, और सब बनते भी सब चीजें पत्थर की हैं। जैसलमेर है तो अच्छा, पर इतनी भी गर्मी नहीं कि हाय 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 मैं तो मर गया, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब बियरेबल है। ये सफारी ओल्ड एंड दिस इज माय बीस्ट एंडेवर। यहाँ पे भाई रात को मैं तो पता सच में डर गया था, जो ये लोग देख के मैं यार ये क्या ही है यार, पता नहीं अजीब सी जगह होटल है क्या रोगे, बट सेफ था सब कुछ, ओके वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना। सामान पटक के लेट मी गो टू समवेयर, लगाता हूँ मैप में। वाओ ब्यूटीफुल कार, कौन हैंडसम,
किस हैंडसम की है इतनी ब्यूटीफुल कार, मुझे मिलना है उससे। ओ शिट मैन, मैंने तो इनके इन पे चढ़ा दी गाड़ी, आई एम सॉरी बाबू। अब एकदम नूबड़ों की तरह भाई जैसलमेर फोर्ट लगा दिया है, यहाँ 1.8 किलोमीटर दूर है कुल, क्या ही करूँ मैं जैसलमेर, मेरे को समझ से बाहर है यार, कहाँ जाऊँ, डेजर्ट वेजर्ट करूंगा, लेकिन मैंने गलती से ये होटल दोबारा आज के लिए फिर बुक कर दिया आल लसपने में आके। आगे बंद है रास्ता, आगे रास्ता बंद है भाई, नहीं चाहिए मुझे। अरे भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भैया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कुछ भी अप्रूव्ड है यार, क्या है यार ये हद्दी है, ऐसे लग मचा देते हैं भाई, मुझे तो डर लगता है इन लोगों से यार, कि पता नहीं क्या। अरे मुझे आना ही नहीं है जब हद है, मुझे इन चीजों से बहुत नफरत है। मैं उल्टा चले जाता देखूं अपने होटल में भाई, यार हद ही है निखालस। देख आगे देखो भाई, ये फोर्ट है क्या है यार, देखना कैसे बाइकों पे वो लगा रहे, देख देख देखो देखो दोनों यार भाई, नहीं नहीं सॉरी भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, ₹100 लूंगा सर, थैंक यू। मैं जा ही रहा हूँ यहाँ पे, मैं जा ही रहा हूँ भाई, मोना घूमना फोर्ट वोट है, ऐसा थोड़ी हो, देखना मुझे डर लग रहा है भाई। आपको गलत सेवा नहीं दूंगा, अंदर में क्या लोग रहते हैं, विदाउट गेट घूम नहीं पाओगे, नहीं नहीं हम लोकल गाइड है, अगर सेवा रहे गाइड के साथ में बढ़िया फोटोग्राफी भी निकालूंगा आपके फोन में, इंस्टा पे व्हाट्सएप पे स्टोरी डालना, कमेंट में ही ऐसे नहीं होता यार सारे एकदम ऐसे, तो अभी क्या भैया हम आपके जैसे की बोल रहा हूं, 1 मिनट में आता हूं, नंबर रख लो, अगर सेवा रहे तो कॉल कर दो, ₹50 लूंगा बढ़िया घुमा के। आप भैया YouTube में हो ना यार, क्या आप YouTube वाले हो? नहीं 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 लग तो ऐसे ही रहा है भैया, तो आप इतना क्या यार घमंड कर रहे हो, देख रहे हो, अरे घमंड की बात नहीं है भाई यार, आपको ऐसे घुमा देंगे, गाइड को जरूरत नहीं, आप ऐसे जाओ अंदर लेके जाओ गाड़ी, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, गाड़ी आपको पर्ची पर्ची कर, गाइड आपको प्रेशर कर रहे हैं, ये वीडियो बनाकर भेज दो, गाइड की कोई जरूरत नहीं है, ₹60 का पार्किंग पर्ची कटेगा, आप आराम से जाओ, चलेगा आपका पर्ची संभाल के रखना, आप गाइड की कोई जरूरत नहीं, ऐसे क्यों इतना लग मचा रहा है, आपके पीछे ये देखो यार, आपको ₹60 का पार्किंग कटाओ, आप आराम से घूमो, आप हमारे मेहमान हो साहब, सर आराम से घूमो, सर ₹60 का पार्किंग कट ले लो और जाओ, कोई गाइड प्रेशर करे सीधा वीडियो बना देना, ठीक है आराम से गाड़ी घुमाओ, ठीक है भाई, ठीक भाई, मैं गुस्सा हुआ, मैं ना घूम रहा हूँ फोर्ट फाट यार, देखियो कितनों लग यार, इनको क्या भरोसा भाई, माल ना मैं ना लूं और घेर के यार कहीं कुछ कहा कर दे मेरी गैली को, लो मैं वैसे भैया बुरो हाल है, भगवान बचावे कसम से, और अब देखो इन्हें कैमरा देखते ही, मेरा कैमरा उड़ रहा था हवा में, तो ये देखते कि ये तो वीडियो बना रहा है, तो इसको देखो कैसे आ गए कि भैया जरूरत नहीं है वीडियो बनाओ ये करो फालतू में, बाबा हमें क्या यार कोई मतलब होता है यार, इतनी बुरी तरह बाइकों के साथ, ये मैंने देखा है कई जगह पे, देखा था मैंने ये वाला सीन ना कई वीडियोस में देखा था, ऐसे होता है, मैं वो होटल वाला भाई बता रहा था गाइड वाइडों से बच के रहना भाई, यार मैं क्या करूं यार, आए जा रहे हैं गाड़ी कहीं पार्क नहीं कर सकता, फिर आ गया भाई एक बंदा, ये देखो फिर आ गया, अब यार अब देखना अब आएगा, देखो देखो जी सरकार, फोटो में सब्सक्राइबर सर आप, अच्छा आप सब्सक्राइबर हो, हाँ जी आप, ठीक फिर ठीक है यार, ये सही है क्या, ये लोग ये सही नहीं है, ये नहीं है ना, नहीं नहीं है ना, क्या करते गाइड है ये, ऐसे ही रुपए वगैरह मांगते हैं गाइड वगैरह, ठीक है अब लो भाई ले लो आप फोटो, अब सुन लिया भाई आपने, अब मैं यहाँ से भी आगे निकल गया हूँ भैया, कसम से इतना बुरा हाल है, इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा यार, हम और भी जगह घूमे, पता है भाई मेरे को ना हमारे साथ नेपाल में ऐसे ही एक इंसिडेंस हुआ था, ऐसे एजेंट्स और इन सब के थ्रू ही ना, इसलिए मुझे इन सब पे कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ यार यहाँ से, पता नहीं मुझे ना टूरिज्म वूरिज्म पे आजकल ऐसी जो मेजर जगह होती हैं, अब देखो आपने देखा ना यहाँ के लोकल खुद बता रहे थे कि भाई ये सेफ नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर थे, यार मैं कैसे भरोसा कर लूँ, क्या घूमूँ यार, फर्स्ट एक्सपीरियंस, अब देख ले अब वो फिर आ गया, अब देखो अब देखना फिर देखना, अब इसके बाद सुनना, आप गाइड बदलो किसी को, आप ये गाड़ी छोड़ के फोटो में आ जाओ, तो आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, आपकी गाड़ी की गलती आपकी गलती नहीं है, और आप वो मेरे भैया ने बताया आप यूट्यूबर हो, अरुण जी अच्छे आदमी हो,
एक बार ये क्या होता है सर, शॉपिंग का कमाल रहता है ना, इसलिए सर पीछे भागते हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना आया हूँ कि गाड़ी आप वहाँ छोड़ के आ जाओ, ये फोटो लेके आ जाओ, तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। कहाँ पे खड़ी करके गाड़ी आप जो आपके होटल है ना वहाँ, ये आपकी गाड़ी है जो कमाल है। कैसे मतलब पीछे इसलिए भागते हैं हर कोई गाड़ी की नंबर देख के? नहीं नहीं, आपकी जो बड़ी गाड़ी है ना तो ये सोचते हैं बड़े गेस्ट है, तो बड़ी गाड़ी है तो बड़ा बड़े गेस्ट है, तो इनको शॉपिंग में फायदा मिल जाएगा। अच्छा, अब जैसे भाई ने बताया, भाई गलती हमारी नहीं है, गाड़ी की है। वही है ना, जितनी बड़ी गाड़ी होगी ना उनको लगता है इतने ही रईस आ गए, अब इनको क्या पता भाई गाड़ी तो बस ऐसे ही ले ली सेकंड हैंड जहाँ से। अब भाई यार क्या करूं, मेरे को खुद समझ से बाहर, इन्होंने मेरे को पूरा बताया कि ये क्या करते हैं ना कि आपको 100 रुपए के बहाने से 100-100 रुपए फोर्ट घुमाएंगे, उसके बाद कहेंगे जबरदस्ती शॉपिंग करो, यहाँ कोई बाजार ले जाएंगे शॉपिंग करो वो करो, पर ऐसे सही नहीं है ना यार। मुझे जरूरत होगी मैं खुद किसी गाइड से बात कर लूंगा, या फिर कोई एक आ जाए दो आ जाए, ऐसे क्या झुंड बना दिया पूरी, अब पूरी गाड़ी का झुंड बना दिया पीछे कर रहे हैं। सेफ फीलिंग आती है? एक बात बताओ, आप बाइकों को लेके एकदम फॉलो करने लगे? नॉट एट ऑल गुड यार। तो भाई ये भाई सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पे जैसलमेर के मिल गए, भाई तुम ही घुमा दो यार, क्यों गाइडों पे ठगवा रहे हो? हम घुमा देंगे आपको। हाँ यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा, ये ना ज्यादा पैसे लूटते हैं कुछ किसी आदमी, बाहर के आदमी को देते हैं ना ऐसे, इनका यही काम है लपके लपके लपके, इनको लपके बोलते हैं तो इनसे बच के रहना चाहिए। तो भाई तुम घुमा दो यार पार्क, अभी मैं दोबारा जब फोर्ट पे गाड़ी लगाने जाऊंगा ये फिर मेरे को पकड़ लेंगे ऐसे, तो फिर हम साथ रहेंगे आपको। अब आप कह देना कि यार इनको मत से दो, ठीक है ना, ये हमारे साथ है, परेशान मत करो। हाँ ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान रिश्तेदार हैं, ऐसे बोल देना, ठीक है। चलो तुम तो ठीक हो ना, सब्सक्राइबर दिखाना, चैनल मेरा दिखाना, तुमने सब्सक्राइब कर रखा है यार। मैं ना तो नेपाल गया था, मैं थोड़ा मेरे साथ ऐसे ही एजेंटों के थ्रू वो गंदे के लोग ऐसे ही लपके, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट होता नहीं है, समझ रहे हो ना। आज सब्सक्राइब कर रखा है ना, पक्का कर रखा है भाई ने। तो भाई अब सब्सक्राइबर भाई हमारे आ चुके हैं, इन्होंने बोला हम ही घुमा देंगे। तुम्हारी गाड़ी इतनी बड़ी है ना, तब ये ऐसे कर रहे हैं गाड़ी देख के? हाँ गाड़ी बहुत बड़ी है, उसके बाहर के नंबर प्लेट वगैरह देख रहे। मैंने आपको तभी पहचाना, मैंने कहा ये यहाँ कैसे आ सकती है ऐसी गाड़ी नई वाली एंडेवर जैसी, ऐसे एंडेवर नहीं है कहीं भी है नहीं। भाई जैसे तैसे करके गाड़ी पार्क कर दी, अंदर तक आ गया मैं, यहाँ पे भी स्टेल भाई इतने आ जाते पूछो मत, चलो ऊपर घूम के आते कैसे कैसे नहीं। ये भाई ऐसा कुछ किला भाई, यहाँ भीतर खड़ी है गाड़ी, तो क्या सिस्टम है? अच्छा इसमें भाई लोकल मतलब बंदे भी रहते हैं, ये पहला किला ऐसा जो मेरी नॉलेज में आया है जहाँ बंदे खुद रहते हैं, बनाया है किसी और ने, रहता कोई और है, मौज ले रही है जनता यहाँ पे। तुम लोगों ने नहीं रुकाया अपना घर क्यों? इनके लिए अंदर रहते हैं पहले, उनके ही है। अच्छा 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 ओके। नहीं नहीं गाइड नहीं चाहिए भैया, भाई स्टिल गाइड 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 हद्दी हो गई। तो भैया किला कम है, तो कोई शहर सा कोई कॉलोनी सी ज्यादा लग रही है मुझे, टम्पू जी भी मार्केट ये सब चीजें ज्यादा है। ये भाई यहाँ तोप रखी है, राजा ने रखवाई थी कि कोई अगर आए आलतू फालतू आदमी तो उड़ा दो, भड़ाक दो ऐसी, पूरा ये जैसलमेर यहाँ से दिखता है भाई, इतना सा ही है बस, ये 3 किलोमीटर के एरिया में है बस, ओनली मात्र 5-10 किलोमीटर एरिया में भाई, बहुत छोटा सा है, देख लो कितना लिटिल है, वेरी मच लिटिल। ये कोई लेक वेक है? गड़ी सर लेक है भाई, यहाँ पे आप जा सकते हो, देखते हैं इच्छा रही तो चले जाएंगे। बाकी तो यहाँ पे भाई इसको गोल्डन सिटी बोला जाता है क्योंकि रेत ही रेत है सारा, आप देखोगे पीला पीला सा ही आपको देखने को मिलेगा पूरा। पता नहीं मुझे तो क्यों लेह जैसी फील आ रही है, जैसे लेह में आती है ना लद्दाख जाते हैं ऐसे ही, वहाँ पीले पीले से घर से पत्थर से बने हो और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, पर वहाँ लोग ऐसे पीछे नहीं पड़ते भाई इतना ज़्यादा जितना यहाँ पे पड़ते हैं भाई, हद बुरा हाल है बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और देखो कितना अच्छा है बनवा रखा था, ऐसे कूद के आपको दरदर से जा सकते हैं, लाइक एक फ़ोटो सा खींचियो। और भाई इस फोर्ट में देखो कैसे मतलब किसी की शादी होती है तो यहाँ पे लिखा रहता है रेणुका संग अरुण सिंह, वाह ऊपर मैं तो पवार हूँ। तो आज कोई भी 20 फरवरी 2018 को इनके जैसे इनके घर पे है तो कोई भी आ सकता है, इस तरीके की स्कीम्स रहती हैं। और यहाँ पे एक दूसरी ये छोटी तोप है छोटे गुंडों को उड़ाने के लिए, जो बेचारे पतले पतले से हल्के पतले होते होंगे वो कहते होंगे अच्छा ऐसे था कि भाई कहीं कोई कहीं से आ रहा वहीं से उड़ा दो, कोई ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, इसमें बम पीछे से गिरो और खुद से देसी पूरा उधर से पूरा उड़ा दे। ये ना रेगिस्तान तो कहीं दिख ही नहीं रहा दोस्त, रेगिस्तान उधर आगे साइड में, पहले यहाँ पर था हरियाली हो गई बारिश मतलब।
भाई ये पूरा शहर मेरे पीछे आप देख रहे हो, और जो ये पूरी ऐसे फीलिंग आती है जब इसमें आप डोलने आते हो, जैसे आजकल डीलर सेक्टर वेक्टर निकाल देते हैं, अपनी कोई सिटी सी बना देते हैं, बिल्कुल वैसी ही फील है यार। इधर घर हैं प्रॉपर लोगों के, प्रॉपर। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे अभी पीछे आकर देखिएगा, ये देखो लगते भी सूख रहे होते हैं लोगों के, यहाँ पे काम चल रहे लोगों के, अपना ग्रिल व्रिल नहाते, मतलब सारी चीज़ें हैं। बाकी ये राजा का महल है भाई, ये 200 रुपये की टिकट है इसमें पर पर्सन, तो अच्छा है भाई। आप देख सकते हो इसमें रहन सहन कैसा था राजा का, वो सब सिस्टम है, और यहाँ शॉपिंग वोपिंग करने का काफ़ी अच्छा सिस्टम है, बढ़िया है। चलो भाई, गर्मी भी वैसे काफ़ी अच्छी है भाई। अब रोटी खाने आ गया, लोकल भाइयों का ही फायदा होता है, रेस्टोरेंट वगैरह पता होते हैं भाई कहाँ अच्छा मिलता है, वो गाइड होते हैं उनसे पूछता, वो रेस्टोरेंट भी वही सजेस्ट करते जहाँ उनका कमीशन होता। दैट्स वेरी बैड, ये बहुत अच्छा भाई, रोटी टू खा के मज़ा आ गया, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। अच्छा यहाँ ना सारे देखो पत्थर का होता है, जो सिस्टम है सब पत्थर का रहेगा। हमको अब एक भाई ने और ज्वाइन किया है, जो इन भाई के मित्र हैं, ये हमको ज्ञान बता रहे थे कि यहाँ पे भाई ईंट महंगी हैं। जी ईंटें महंगे, पत्थर सस्ते होते हैं। पत्थर यहाँ अपने आसपास ही मिल जाते हैं, जैसलमेर के ये पत्थर होते हैं, ये जैसलमेर के अलावा कहीं पत्थर नहीं मिलेंगे ये वाले। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाइयों? हम चल रहे कुलदरा गाँव। वहाँ पे क्या है? हॉन्टेड गाँव है, एकदम गाँव खाली है, वहाँ सुना जाता है कि भूतों का निवास है। यार मुझे भूत तो नहीं चिपड़ जाएंगे, मैं अकेला वैसे कभी घर ही ना पहुंच जाते हैं वहाँ पे, पक्का अकेले थोड़े हैं सर। चलो फिर ठीक है भाई, यार मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। एक बार मैं मनाली गया था, वहाँ चिपक गए थे मेरे को ना, दिक्कत हो जाती है, फिर उतारने भारी पड़ जाते हैं। बाबा जी के पास जाओ चल के, वहाँ पे क्या स्कीम है। कितना दूर होगा भाई जैसलमेर से? 30 किलोमीटर है अपने। चलो भाई एंडेवर, यार इतनी गर्मी में भाग गई यार मैं, इसको खड़ी करके गया। ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो भाई, हमारे जो अभी आप फ्रेम देख रहे हो, ये सारा पत्थर यहाँ से निकलता है, तो इधर बहुत सस्ता होगा यार, क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है उसकी थोड़ी वैल्यू कम रहती है। हमारे में पत्थर की बहुत वैल्यू भाई, ईंट से मतलब नीम भी ईंट से भरते हैं, क्यों है ही नहीं पत्थर, सरकार ने बैन लगा रखा है, पहाड़ों पे माइनिंग कर नहीं सकते हैं। और एक और चीज बताऊं भाई, इस रोड पे भी वही वाला हिसाब है, बाइकर्स एकदम आएंगे। वो तो भाई मेरे साथ है, तीन भाई जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से बच रहा हूं मैं, ऐसे आते हैं बाइक एकदम साइड में लगाते हैं। इनका क्या सीन है भाई, थोड़ा बताओगे यार ये बाइकर्स का? इनके कोई इनके गाइड मतलब है ना, इनके पास लाइसेंस है नहीं, ये लूटते हैं लोगों को, सो आ जाओ हमारे साथ, आपको ये करा देंगे, सस्ते में करा देंगे, फिर आपसे पैसे लेकर उनका कोई आपसे वास्ता नहीं होगा, सीधे वो चल लेंगे। अभी दो जने आए थे बाइक पे, तो इन भाइयों ने कह दिया हम लोग कर लिए, उल्टे चले गए, वरना भाई पता नहीं क्या स्कीम है। और अगर मान लो उनके थ्रू कैंप बुक करवा लिया तो कैंप भी नहीं पाता उनका, कैंप दे लेकिन उनमें सर्विस कुछ नहीं देगा आपको, और क्या पता लूट खसोट भी ले, ऐसा भी हो सकता है। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं, अपन क्या पकड़ लेंगे बाद में। सही बात भाई, एकदम जायज बात है। तो भाई यहाँ पे आ रहे हो तो संभल कर चलो। और एक और आप बताते सैमसम, जहाँ पे जो डेजर्ट है मेन यहाँ पे, उधर आप बताते जैसे हम ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं शाम के टाइम सनसेट के टाइम, अब वो बाइक एकदम सामने आ जाएंगे, एक अपने जैसे अपने एक दो बाइक आ रही है, अब जैसे आप कनोई गांव के पास पहुंचेगा आपके पास 6-7 बाइक एक साथ आने लग जाएगी। तो हमारे साथ चलो, हमारे फिर आप थोड़ा आगे चलोगे पैदल लोग मिल जाएंगे रोड के ऊपर, लेकिन उनसे बचना है अपने को, कांच नीचे नहीं करना, गाड़ी रोकनी नहीं, बस लूटते हैं लोगों को। ये जैसलमेर का नाम खराब कर रहे हैं, मतलब टूरिज्म को बिगाड़ रहे हैं। रुपीज? क्या रुपीज? पैसे दो ना। पैसे दू? स्कूल बैग में। किस बात के पैसे दू? क्या पैसे दू? हाँ पैसे। किस बात के पैसे? पेन लेंगे। हैं? पेन। पेन लोगे? तुम वहाँ से भाग के आ रहे हो, वहाँ कौन सा स्कूल है? मोनपिया। हैं? मोनपिया। अरे भैया यहाँ तो सभी पैसान के पीछे हैं यार, मैं यहाँ फोटो खिंचवाने के एक मिनट खड़ा होगा, पैसे दो पीछे पीछे। अरे भैया क्या रोग है यार। अभी भाई मैं मेन गेट से पर्ची कटवा के कुलधरा गांव में आ गया हूँ गाड़ी लेके। यार ये कैसा टेरेन है भाई, इस पे गाड़ी देखो, स्टेयरिंग देखो, एंडेवर को जो स्टेबल बताते हैं, मतलब कुछ हो कोई भी किसी गाड़ी को भी स्टेबल बताते होंगे, उनका स्टेयरिंग ऐसे कांपेगा, पूरी गाड़ी ऐसे कांप रही है भाई बस।
भाई कुलधारा गांव देख लिया, मैं वापसी जैसलमेर आ गया हूँ। कुछ ज्यादा है नहीं भाई इधर देखने के लिए, कुछ इतना सा शहर है ये, 7-8 हजार तो इसकी वोट है और सबके सब वहां बसे पड़े हैं उस फोर्ट से पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। भाई जैसलमेर तो वैसे ही फेमस है ना, कोई आसपास जैसलमेर के आसपास कोई डेजर्ट भी नहीं है, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो तो कल ही देखूंगा मैं। और 3 बजे मैं फ्री हो गया, अब इसके बाद तो वो टाइम पास वाली जगह बच रही है, वो मतलब कोई बाग है जहाँ पे कोई राजाओं की छतरी वतरी है, मतलब मैंने कह दिया बस बहुत है यार इतनी गर्मी में, मैं बस बहुत है, वो भाई मैंने फिर उतार ही दिए। अब मैं दोबारा होटल जा रहा हूँ, आराम से मैं सोऊंगा। अब भाई शाम होगी 6-1 बज गए तो मैंने सोचा कुछ मंगवा लेता हूँ, भूख लगी है तो मैंने ऐसे ही जोमेटो पे मंगवा लिया लेलियोस भी, तो भाई बिल्कुल डोमिनोज की कॉपी है, मैं डोमिनोज यहाँ कोई ब्रांच ही नहीं है, जैसलमेर इतना बड़ा शहर इतना फेमस। और ये देखने ये फ्रेंच फ्राइज से मंगवा, ये बर्गर किंग है जन क्या है, बर्गर सिंह क्या है वो, उसकी कॉपी है सेम टू सेम। क्या यार कोई तो ढंग का स्टोर खोल लो या जैसलमेर, ऐसी शहर आप आइडिया लगा लो। ले लियो पिज्जा बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन जैसलमेर, फर्स्ट टाइम इन जैसलमेर भाई तुम हो ही नहीं पहले और कहीं। तो भाई अभी बज गए शाम के 7, शाम। तो भाई पहले मेरा प्लान था गडीसर लेक जाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा यार यहीं से इतना अच्छा व्यू आ रहा है और सनसेट देखने के लिए कहाँ भीड़ भड़क के में जाना, वो उन्होंने वैसे ही वहाँ पे भी गाइड वाइड मिलेंगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहीं पे बैठ गया भाई शाम में मस्त इन्जॉय करने के लिए, बहुत अच्छा यहाँ पे एम्बियंस है क्योंकि भाई यहाँ पे माहौल हमारा काफ़ी अच्छा है आप देखोगे ना इसलिए। लगे हाथ जैसलमेर में शॉपिंग भी कर लाया पीटर इंग्लैंड से, 3800 रुपए के लत्ता खरीदे हैं, वो भी बस एक पैंट और एक शर्ट, 2000 रुपए की शर्ट खरीदी भाई पहली बार, मैं कितना रईस हो चुका हूँ। पैसा उड़ा के 10:44 पे आ चुका हूँ अपने रूम पे अगेन, कल मिलता हूँ और आप मुझे सजेशन दे सकते हो कहाँ घूमना है कहाँ नहीं। आई एम रियली कंफ्यूज, आपने देखा होगा 2 जगह घूमे वो लेक वेक पे मन नहीं किया, यूट्यूब पे वीडियो देखी भीड़ भड़क का, ऐसी जगह नहीं, मुझे पीसफुल जगह ज्यादा पसंद है ना, मैं गाड़ी भगा सकूं दौड़ा सकूं। और भाइयों कल के लिए रेडी रहना, कल मैं जाऊंगा बहुत ही एक्साइटिंग जगह पे। फिलहाल तो सभी भाइयों को मेरा शुक्र, यू कहाँ जल रहा हूँ मैं भीतर, अच्छा लाइट है कभी आज जल रही हो, मैंने अभी जलाई है भाई, सो जाओ भाई मेरी तरह। पर आप तो अभी और वीडियोज देखोगे, अभी तो 9:15 बजे तक कहाँ सो रहे हो आप, मैं सो रहा हूँ भाई भाई।